नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में त्यागपत्र उपन्यास को हम पढ़ेंगे। इस उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। उपन्यास का प्रकाशन वर्ष सन 1937 है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा कथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं है, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित है। जैनेन्द्र ने त्यागपत्र में स्त्री जीवन की समस्याओं को पारिवारिक संरचना के आधार पर व्यक्त किया है। त्यागपत्र में तीन प्रकार की पारिवारिक संरचना है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार तथा सहचर्य परिवार। संयुक्त परिवार में स्त्री को आदर्श आर्य गृहिणी बनाए जाने की प्रेम तथा उसके दमन की समस्या, जीवन साथी न चुनने की समस्या और अनमेल विवाह की समस्या मृणाल के माध्यम से चित्रित की गई है। एकल परिवार मृणाल का ससुराल है, जहाँ वह पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाती है और पतिव्रता को हमेशा सच्ची होना चाहिए, तभी वह पति पर समर्पित हो सकती है। यह वह सच बोलती है और सच बोलने पर समस्या उत्पन्न होती है, उसके शोषण की जाती है, जिसे वह परित्याग कर सहचर्य परिवार वह परिवार है जहाँ पर वह मृणाल कोयले वाले के साथ साहचर्य स्वीकार करती है, जहाँ उसे रूप की समस्या, आर्थिक समस्या और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। भारत में एक समान स्त्री का जीवन एक त्रिशंकु जीवन है। माता पिता भी उससे मुक्ति चाहते हैं, लड़की केवल उनके सिर का बोझ है, जिसे वे उसकी शादी करके जल्दी से उतार फेंकते हैं, क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों के संस्कारों ने उनके मन में यह बात बिठा दी है कि स्त्री का घर उसके पिता का घर नहीं, बल्कि उसका ससुराल उसके पति का ही घर है, जहां सात फेरे लगाकर उस लड़की को भेज दिया जाता है। इसी धारणा के अंतर्गत आदर्श आर्य गृहिणी की समस्या उत्पन्न होती है, जहां एक स्त्री को पति के घर जाने से पूर्व वे संस्कार सिखाए जाते हैं जो एक आदर्श बहु पत्नी इत्यादि अन्य रिश्तों में खरी उतरती है। त्यागपत्र में मृणाल की भाभी भी मृणाल को आदर्श आर्य गृहिणी की शिक्षा देना चाहती है, इसीलिए वे जितनी कुशल गृहिणी थी उतनी कोमल न थी। मृणाल अपनी भाभी के संरक्षण में रहती थी, वह संरक्षण ढीला न था, उनका अनुशासन बहुत ही कड़ा था। वह मृणाल को एक आदर्श आर्य गृहिणी की मशीन जैसी स्त्री बनाना चाहती थी, जो ससुराल जाकर पति की सेवा शुश्रूषा अच्छे से कर सके, पिता का स्नेह बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी, मेरी बुआ को प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। किंतु मृणाल यौवन के उस द्वार पर खड़ी है जहां उसे प्रेम होता है और प्रेम करते ही उसमें बदलाव आ जाते हैं। इससे एकांत में वह उसको बुरा लगता है और वह अपनी धुन में मगन मृणाल स्वतंत्र हो खुले आकाश में उड़ना चाहती है। प्रेम करते ही उसमें आकाश में रहने की आकांक्षा जागृत होती है। हाँ, चिड़िया उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोलकर वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाते हैं। क्यों रे, कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। हमारे समाज में एक स्त्री को प्रेम करने का अधिकार नहीं, यदि वह ऐसा करती है तो उसे दंड दिया जाता है, लेकिन मृणाल को जब प्रेम का अनुभव होता है, वह बिना सोचे समझे उन्मुक्त खुले आकाश में चिड़ियाबन उड़ जाना चाहती है।
डॉक्टर हरदयाल के शब्दों में आर्य समाजी भाभी के कठोर अनुशासन में रह रही, यौवन के द्वार पर पैर रख रही मृणाल के मल में शीला के भाई के प्रति फूटने वाले प्रेमांकुर की अभिव्यक्ति चिड़िया बनने की आकांक्षा के रूप में सटीक अभिव्यक्त पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री चिड़िया नहीं बनने, स्त्री को चिड़िया बनने नहीं दिया जाता, उसके पंख काटकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। स्त्री की यह सबसे बड़ी समस्या है कि पहले तो उसे प्रेम करने नहीं दिया जाता, उसे कड़े अनुशासन में रखा जाता है। यदि वह प्रेम कर बैठती है तो उसे दंड दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। त्यागपत्र की मृणाल भी भाभी के द्वारा दैहिक प्रताड़ना का शिकार होती है और उसे अपने प्रेम का दमन करना पड़ता है। जैनेन्द्र प्रेम तथा नारी को समाज के रूढ़ किंतु दोहरे मानदंडों और मूल्यों के विरुद्ध खड़े होते हुए दिखाना चाहते हैं। वह नारी मृणाल है। मृणाल मध्यम वर्गीय परिवार की किशोरी है और इसी किशोरी वय में उसने एक युवक से प्रेम किया, लेकिन मृणाल को दैहिक प्रताड़ना द्वारा यह एहसास कराया गया कि अपनी पसंद की सखी से मिलना तो ठीक, किंतु अपने पसंद के सखा से मिलना गलत है। उसकी भाभी द्वारा उसे बेत से पीटा जाता है, पर मृणाल बिल्कुल विद्रोह नहीं करती। बेत की पहली चोट पर वह चीख निकालती है, उसके बाद वह सिर्फ सहती रहती है और गुमसुम परी रहती है। किसी भी स्त्री को मृणाल की तरह प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं। यदि वह ऐसा करती है तो उसकी भी वही हालत होती है जो मृणाल की थी। वहाँ बुआ औधी हुई परी है, उसकी साड़ी इधर उधर हो गई और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं लहू भी झलक आई है। स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह अपने जीवन साथी तक को चुनने का अधिकार नहीं रखती। उसे कभी नहीं पूछा जाता कि उसके साथ उसे जीवन बिताना है, वह उसे पसंद है या नहीं। बस उसके माँ बाप जिससे चाहे उसके साथ साथ फेरे लगा कर भेज देते हैं। त्यागपत्र की मृणाल का विवाह इसी सभ्यता को मुखरित करता है। वैसे स्त्री की सबसे बड़ी समस्या तो उसका विवाह है। वह जिसे प्रेम करती है, समाज उसे कभी उसके साथ विवाह करने नहीं देता, बल्कि किसी दूसरे के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। स्त्री के अनमेल विवाह की समस्या त्यागपत्र के माध्यम से चित्रित हुआ है। मृणाल का एक दुहाजू पुरुष से अनमेल विवाह करा दिया जाता है। त्यागपत्र मृणाल के अनमेल मेल विवाह और उसकी विसंगति से उपजा ऐसा उपन्यास है जो एक स्त्री की दीनता को प्रत्यक्ष करता है। पूरे हिंदू समाज को उसकी ढोंगी नैतिकता के साथ कटघरे में ला खड़ा करता है। यदि हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक नियमों के निर्वाह के लिए ढोंगी होना जरूरी है। इसीलिए इस समाज में छल करने वाले को नामवर कहते हैं और सच बोलने वाले को सजा दे दी जाती है। चूँकि मृणाल झूठ नहीं बोल सकती थी, फलस्वरूप वह अपने पति से विवाह के पूर्व प्रेम की बात बता देती है, क्योंकि वह कहती है कि मैं छल नहीं कर सकती, छल पाप हुआ, जो हुआ व्याहता को पतिव्रता होना चाहिए, सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। परंतु मृणाल सच बोलकर बेवकूफ़ी ही करती है। इस समाज में सच बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मृणाल ने कोई छल नहीं किया, क्योंकि वह सच बताकर अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहती थी, पर समाज ने उस पति परमेश्वर मानने वाली स्त्री को चरित्रहीन और हरामजादी कहकर घर से निकाल बाहर कर दिया। वस्तुतः त्यागपत्र में मृणाल के माध्यम से स्त्री जीवन की सबसे बड़ी विडंबनात्मक समस्या, अनमेल विवाह के दुष्परिणामों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। मृणाल अपने घर में प्रताड़ित होती हुई ससुराल में भी उसका पति उसे पीटता था। सच कहती है कि प्रमोद किसी और से नहीं कहा, मुझे कहती है बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ना यहाँ अच्छा लगना
हमारे शिष्ट समाज का नियम है, यदि एक स्त्री का विवाह हो जाए तो वह पति की मर्जी से ही मायके आ जा सकती है। यदि ससुराल से नाता टूट जाए तो मायके से अपने आप ही रिश्ते टूट जाते हैं। मृणाल भी पति से परित्यक्त होकर एक कोठरी में रहने लगती है। यहाँ उसके रूप की समस्या सामने आती है। स्त्री का रूप ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, वह बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। मृणाल अत्यंत रूपवती स्त्री थी, तभी कोयले वाला उसके रूप का लोभी था और उसने उसकी पहले चोरी छिपे हुए उजागर मदद की और अंत में वह भी उसका शोषण करके भाग गया। मृणाल अत्यंत रूपवान थी, यही एक ऐसा गुण था जो उसे प्रकृति प्रदत्त था और वही उसके अभिशाप का भी कारण बना। बुआ का तब तक रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ, ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल करने के लिए मन ही मन नियत उसकी रहती है। मृणाल खुद को ही आत्मपीड़ा देती है और उसे आत्मपीड़ा में ही सुख पाती है। परित्यक्त मृणाल पुनः एक कोयले वाले से दाम्पत्य जीवन स्वीकार करती है, यद्यपि वह इस बात से वाकिफ है कि वह भी उसे छलेगा, फिर भी वह उसके पास रहती है। यह कृत्य भी उसके आत्मपीड़क प्रवृत्ति का ही एक रूप है। उसका सारा जीवन ही आत्मपीड़ा और कुंठा का प्रतीक है। डॉक्टर विजय मोहन सिंह के शब्दों में इस रूप में वह सामाजिक नैतिकता के प्रति विद्रोह है, लेकिन यह उस नैतिकता से मुक्ति नहीं है, केवल उसकी नई व्याख्या है जो जैनेन्द्र मृणाल के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती है। कोयले वाले के भी छोड़े जाने पर उससे आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, परंतु वह एक शिक्षित स्त्री है, इसलिए कपड़े सिलती है और काम चलाती है। बड़ी भली औरत थी, दुख दर्द में ढाढ़स बंधाती थी, बच्चों को घर बिठाकर पढ़ाया करती थी और सबसे छोटे मोटे काम को तैयार रखती थी। लेकिन शिष्ट समाज को जब उसके परित्यक्ता होने का पता चलता है तो वह उससे काम पर से हटा देती हैं। यहाँ उसे आर्थिक स्वावलंबन की समस्या का सामना करना पड़ता है। समाज तथा सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह आसान नहीं होता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी आत्मघाती या आत्मपीड़क बनकर और कभी प्रताड़ना का शिकार होकर, पर मृणाल पति गृह को छोड़कर एक कोयले वाले के साथ रहकर प्रतिशोध और आत्मपीड़ा सहती हुई कहती है कि पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि पतिव्रता को चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तभी वह अपना भार उस पर डाले रहे, मुझे देखना भी नहीं चाहते। यह जानकर मैंने उनकी आंखों के आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरा पति नहीं हूँ, तब मैं किस अधिकार से अपने को उन पर डाले रखती? पतिव्रता का यह धर्म नहीं है। मृणाल समाज की क्रूर छाया के भीतर जीवन यापन करती हुई सामाजिक मर्यादा को अंतिम सांस तक बनाए रखती है। वह अपनी व्यथा को अंदर में छुपाए हुए प्रतिष्ठित समाज की दृष्टि से दूर चली जाती है। वह स्वयं टूट सकती है, किंतु समाज में स्वयं को लेकर क्रांति उत्पन्न करना उसे स्वीकार नहीं है। वह साफ कहती है कि मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम उसके भीतर बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे, इसीलिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में खुद ही टूटती रहूँ। अंत में मृणाल उस शिष्ट समाज में जा पहुँचती है जहाँ समाज की झूठन रहती है, बिल्कुल निम्न स्तर के लोग, जहाँ छल टिक नहीं सकता, सच्चा कंचन ही वहाँ परखा जा सकता है। मृणाल उसकी समस्याओं को चित्रित करती नजर आती है। उसको इस नरक से उबरने के लिए शिष्ट समाज से प्रार्थना भी करनी पड़ती है। खूब कमा और कमा कर बस इस गड्ढे में लापटक कर, सुना कि नहीं रुपए के जोर से यह नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है, ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ न कुछ काम आ सकता है। त्यागपत्र में मृणाल के माध्यम से भारतीय परिवार में नारी की दयनीय स्थिति की समस्या चित्रित की गई है। नारी की दयनीय स्थिति की परंपरा
शकुंतला के समय से चली आ रही है। शकुंतला का घर न तो कण्व ऋषि का आश्रम और न दुष्यंत का राजमहल। माता पिता पहले ही त्याग देते हैं। सीता की भी यही नियति है, वह भी गर्भवती रूप में राम द्वारा परित्यक्त होकर आश्रम में पुत्र को जन्म देती है और अंततः धरती में ही शरण पाती है। भारत में ही नहीं, संसार के इन दोनों महान महाकाव्यों के क्या कारण है कि स्त्री हजारों वर्षों के बाद भी मृणाल नाम की स्त्री की नियति और परिणति एक सी होती है। स्त्री हर जगह और हमेशा परित्यक्ता है, लेकिन मृणाल साधारण स्त्री नहीं है। डॉक्टर नवगेंद्र के शब्दों में, मृणाल के व्यक्तित्व में बुद्धि और संवेदना की प्रखरता के कारण एक असाधारणता है। आते वह एक साधारण मध्यम वर्ग की युवती को दृष्टि में रखकर उसके व्यवहार की समीक्षा करना गलत होगा। जीवन में नकार पाकर उसका स्वभाव से ही संवेदनशील मन अतिशय संवेदनशील हो गया। अपने अस्वाभाविक जीवन की समस्याओं से जूझते हुए मृणाल ने समाज समस्या व्यवस्था के प्रति जो तीखा असंतोष उभरता है, वह वस्तुतः उसका द्वंद्व ही है जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध उसे ले जाने में मदद करता है। त्यागपत्र में चित्रित जैनेन्द्र की नारी परंपरा की लेख को हटाकर यथार्थ की पगडंडी की ओर मुड़ने का प्रयत्न करते देखे जाने लगा। मृणाल का आंतरिक विद्रोह इतना तीव्रतम होता है कि पति का घर छोड़कर किसी निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ रहकर भी वह अपने को पापनी नहीं समझती। वह स्वतंत्रतावादी एक बुद्धिजीवी बनकर विद्रोहिणी के रूप में सामने आती है। मृणाल समाज के सामने ब्रह्म रूप से भले ही निष्ठा के रूप में दिखती है, पर पाठक की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त करती है। मोहनलाल रत्नाकर ने लिखा है कि त्यागपत्र में मृणाल का जीवन संघर्ष चित्रित हुआ है। वह पीड़ित नारियों का प्रतिनिधित्व भी करती है। संघर्ष में टूटना यही उसका जीवन है। उसका संघर्ष व्यक्तिवादी मान्यताओं से अधिक प्रेरित है, किंतु वह समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती। मृणाल को जो संघर्ष करना पड़ा, वह उसकी आंतरिक मनोव्यथा का संघर्ष है। जब तक वह मायके में रही, भाभी द्वारा प्रताड़ित रही, ससुराल में रही पति के द्वारा, और परित्यक्ता होने के बाद समाज की कुटरीतियों द्वारा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस उपन्यास को इन शब्दों में व्यंजित किया है कि यह उपन्यास घनीभूत वेदना का ऐसा मर्मस्पर्शी विजन है जो मन को पूर्णता उद्वेलित कर देता है, और व्यक्ति यह सोचने पर विवश हो जाता है कि नारी की इस भयानक दुर्गति का उत्तरदायित्व किस पर है। सरी गली परंपराओं पर, जहाँ नारी की स्वतंत्रता अभिशाप है और उसे शोषण के लिए निर्जित गठरी मात्र समझ लिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था पर, जहाँ वह पुरुष की दासी बनने पर विवश है क्योंकि उसके जीने का कोई आर्थिक आधार नहीं है। अंतः कहा जा सकता है कि त्यागपत्र में जैनेन्द्र ने मृणाल के माध्यम से स्त्री जीवन की सभी समस्याओं को उजागर किया है। स्त्री के जीवन की यह विडंबना है कि उसका जीवन में अपना कुछ नहीं है। उसकी इच्छा अनिच्छा का हिसाब उसके माँ बाप तथा पति और समाज के नियम कानून ही करते हैं। माता पिता के लिए लड़की सिर के बोझ जैसी है, जिसे शादी कर माँ बाप अपने सिर से उतार फेंकते हैं। स्त्री जीवन भर जिसके साथ रहती है, उसे ही उसको चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। यदि वह किसी से प्रेम करती है, फलस्वरूप समाज उसे दंड देता है और उसका अनमेल विवाह कराकर एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के प्रति सच्चा होना चाहिए। यहाँ वह सच बोलती है तो उसे मारा पीटा जाता है और चरित्रहीन हरामजादी जैसे शब्दों से प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया जाता है। परित्यक्त होकर वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, पर वहाँ उसके रूप की समस्या आड़े आ जाती है। कोयले वाले उसके ऊपर आसक्त था, जिस कारण वह उसके साहचर्य को स्वीकार करती है, पर वह भी कुछ समय बाद उसे शोषित प्रताड़ित करके छोड़कर भाग जाता है। वह आर्थिक स्वावलंबन खोजती है और उसके अतीत का पता लगने पर शिष्ट समाज उसके किसी भी प्रकार की सहायता करने के लिए
हाथ खड़े कर देता है। आज हर स्त्री मृणाल ही बना दी जाती है और उसकी इच्छा अनिच्छा भावना दुख दर्द पीड़ा और अनुभूति को समझने की किसी की कोशिश नहीं है। अंत में वह ऐसी जगह जा पहुंचती है जहां किसी भी प्रकार के छल की ही आवश्यकता नहीं। वह अशिष्ट समाज ही था जिसने उसे शरण दी और उसकी चिंता की, वरना शिष्ट समाज तो सदा ही उसे घृणित नज़रों से देखता ही रहा कि खुद का परिवार उसे कुलवर्ण कहकर पुकारता है।